पांडे, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और उनको नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ पटना की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां सीएम नीतीश ने उनकी मूर्ति पर, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। वहीं लाल किले में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। लाल किले में बोस संग्रहालय का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है और ये तस्वीर उस उद्घाटन की देख रहे हैं आप। ये दो तस्वीरें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे उनको नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही साथ एक तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया है, पीएम मोदी ने लाल किले में बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो वहीं पटना से नीतीश कुमार की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और उनके साथ इस वक्त दूसरे भी कई नेता मौजूद हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर पहले ही राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को एक खास और अहम दिन के रूप में मनाया जाएगा। और जी मीडिया संवाददाता नवजीत इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ना है, फोन लाइन पर बात करेंगे। क्या जानकारी है नवजीत, कब तक मुख्यमंत्री माल्यार्पण कर सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर? देखिए, अभी कुछ ही देर में वो राज्यपाल हैं लालजी टंडन में पहुंचेंगे, उनके साथ साथ नीतीश कुमार हैं, वो उनकी जो प्रतिमा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उससे माल्यार्पण करेंगे। और जो अभी आपको कुछ जो धूम सुनाई दे रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि राज्यपाल लालजी टंडन है वो पहुंचे हैं इस गांधी मैदान के पास, पूरी छोर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा है उस जगह पे इसी जगह पे जो पूरा समारोह है वो हो रहा है। और हम अपने कैमरामैन को बोले हैं कि तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से लालजी टंडन अभी पहुंचे हैं, उसे उन्हें रिसीव करने के लिए नीतीश कुमार खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि जो श्रद्धांजलि सभा है, राजकीय समारोह है, उसमें अब कुछ ही देर बाकी है कि श्रद्धांजलि और पुष्प अर्पित किया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। लालजी टंडन है वो चलते हुए आए हैं, उसके पहले जो बिहार के जो पुलिस जवान हैं उन्हें सलामी दिया जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि वो तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से सलामी के यहाँ पे इंतजाम किया गया, तो इस तरीके से बता सकते हैं। चलिए, तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दिल्ली और पटना की ये दो तस्वीरें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती है। और इस जयंती के मौके पर एक तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले में बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो वहीं थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी मूर्ति पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और इस दौरान दूसरे भी कई नेता उनके साथ मौजूद हैं। बेहद खास और अहम तैयारियां इसको लेकर भी की गई थी और पहले ही राज्य सरकार की ओर से यह कह दिया गया था कि नेताजी की जयंती को खास बनाने के लिए तैयारियां पहले से ही की जानी चाहिए। और ऐसे में कई जगहों पर कई कार्यक्रमों के भी आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर किए गए हैं। और अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में आज इस संग्रहालय का जो आज उद्घाटन किया है, इसके बाद आम लोग भी इस संग्रहालय को देखने के लिए पहुंच सकेंगे। आज इस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है, इसके बाद आम लोग भी इस संग्रहालय को देखने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही यह निर्देश दिए थे जयंती को लेकर। और पटना में और क्या तैयारियां हैं बात करेंगे, नवजीत समाज साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवजीत, और क्या कुछ खास रहने वाला है नेताजी की जयंती पर, और कौन कौन लोग मौजूद हैं इस वक्त जब माल्यार्पण मुख्यमंत्री करेंगे वहां पर उस दौरान? अभी लालजी टंडन पहुंचे हैं समारोह स्थल पे, यहां पे पहले से ही नीतीश कुमार और जो कृषि समाज कल्याण मंत्री और शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा है वो पहले से यहाँ मौजूद हैं। इस तरीके से जो अन्य जो नेता हैं बिहार के, कई जो बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं आपको श्याम रजक जी वो मौजूद हैं, और जो राजीव रंजन हैं प्रवक्ता हैं जदयू के वो मौजूद हैं। इस तरीके से देखा जाए तो जो ये समारोह है कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक याद करने के दिन है और उनकी आज जयंती है। इसको लेकर के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जो कलाकार हैं वो अभी आरती पूजन कर रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार लालजी टंडन है वो
उस ऑफिस के अंदर जो नेता जी सुभाष चंद्र बोस करेंगे वो पूरे आपको सूचित करके मिलेगी। अभी जो जनसंपर्क विभाग के जो कलाकार हैं वो आप ही करेंगे, आप ही करेंगे तरीके से वहाँ पे जो समारोह चल रहा है उसको दिखाने की कोशिश है। और नीतीश कुमार अब कुछ ही देर में लालजी टंडन है वो अपने जगह से उठ करके आएंगे और श्रद्धांजलि देंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। जी बिल्कुल। और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं नवजीत, कुछ जानकारी है पटना में राजधानी में और क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं इसको लेकर? संपर्क नवजीत से हमारा कट गया है, लेकिन ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज उनके नाम पर बने एक संग्रहालय को देश के नाम किया है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली में लाल किले पर सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुभाष चंद्र के पोते चंद्र बोस भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस संग्रहालय में नेताजी से जुड़ी हुई तमाम चीजों को, उनकी यादों को रखा गया है, और केवल उनसे जुड़ी ही नहीं बल्कि आजाद हिंद फौज से जुड़ी चीजों को भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिनको आप दिल्ली के बोस संग्रहालय जाकर नजदीक से देख सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में ये जो प्रधानमंत्री ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया है उसकी उसमें बहुत सी यादें तो होंगी नेताजी की, लेकिन फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माल्यार्पण कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर, और उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, राज्यपाल लालजी टंडन भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आप देख रहे हैं राजधानी पटना से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बल मिला था इन तमाम डेडलाइंस को डिजिटल माध्यम से इस टेलीविजन स्क्रीन पे या फिर जो एलसीडी का पर्दा है इस पर आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल अरुण, और जिस तरीके से इस संग्रहालय में न सिर्फ चीजों को प्रदर्शित किया गया है बल्कि उन इतिहास के उन पहलुओं को भी रेखांकित किया गया है जिसमें कि हम ये जान पाए और समझ पाए कि ये अगर घटना हुई तो क्यों हुई। अगर हम मसलन जिक्र करें जलियांवाला बाग की, तो हम जानते हैं कि रॉलेट एक्ट जो काला कानून के नाम से भी जाना जाता है अंग्रेज लेकर आए थे, जिसका कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर जो किचलू हैं वो विरोध कर रहे थे, और इसको यहाँ पर रेखांकित किया गया है, इसको प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ अरुण यहाँ पर लाल बाल पाल उनका जिक्र है कि उस समय उनकी क्या भूमिका रही थी और उन्होंने कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, जिसमें कि हम जानते हैं कि लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। इतिहास में लाल बाल पाल के नाम से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो इतिहास के छात्र हैं वो लाल बाल पाल के नाम से ही इसको मेमोरीज में रखने के लिए रखते हैं अब जहन में। लेकिन इसी के दौरान जो अरुण जो विश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान जो 1914 से 1918 का जो वर्णन है वो भी यहाँ पर संग्रहालय में किया गया है, उसको दिखाया गया है, क्योंकि जब हम किसी घटना को इतिहास की घटना को देखते हैं तो उसके कारणों को भी जानने